नमस्कार दोस्तों, टेरेस वेजिटेबल फार्म्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको 45 दिन पुराने किचन गार्डन का विजिट करवाने वाले हैं। सभी कहते हैं कि गर्मियों के अंदर किचन गार्डन में या टेरेस के ऊपर सब्जियां उगाना बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि टेरेस के ऊपर थोड़ी सनलाइट ज़्यादा होती है, उसके कारण सब्जियां सूखने का डर रहता है। लेकिन हमने यहाँ पर 45 दिन पहले किचन गार्डन लगाया था। अभी 41-42 डिग्री के टेम्परेचर में भी हमारे किचन गार्डन के अंदर सब्जियाँ हार्वेस्ट करने को मिल रही हैं। हमने अपने किचन गार्डन में 45 दिन के पहले लौकी, खीरा, लंबी ककड़ी, करेला, गिलकी, भिंडी और भी कई सारी सब्जियां लगाई थी, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ककड़ी की। तो हमने जो सरकन ककड़ी लगाई थी, उसके अंदर ककड़ियां आने लगी। ये देखिए आप, हमने ये ककड़ी को छोड़ दिया था तो यह कितनी बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी ककड़ी हम अपने किचन गार्डन के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पर और भी कुछ ककड़ी लगी हुई है। कुछ ककड़ियों के हमने हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। ये देखिए, इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर हमने लौकी लगाई थी। लौकी की बेल चलने लगी है, इस पर भी फूल आ रहे हैं। कुछ दिनों में इसके ऊपर लौकी आना शुरू हो जाएगी। लौकी के आगे खीरा लगा हुआ है, खीरा में भी फूल आ रहे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पर कलियाँ बनने लगी है, यह धीरे धीरे बड़ी होकर हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगी। इसके आगे करेला लगा हुआ है, करेले की बेल चलने लगी है, इस पर भी छोटी छोटी कलियाँ आने लगी है। करेले के बाद हमने गिलकी लगाया हुआ है। आप गिलकी के ऊपर भी फूल देख रहे होंगे, कलियाँ देख रहे होंगे और कुछ बड़ी गिलकी भी इसके अंदर लगी हुई है। गर्मी के मौसम में भी आसानी से टेरेस के ऊपर हम अपना किचन गार्डन लगा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे भिंडी की। तो यहाँ पर हमने 6-4-1 यानी 6 फीट लंबे, 4 फीट चौड़े और 1 फीट ऊंचे बैग के अंदर पूरा भिंडी लगाया हुआ है। और ये भिंडी हमारी फैमिली के लिए पर्याप्त है। देखिए आप, एक भिंडी के ऊपर हमारी भिंडी की हाइट केवल अभी 1 फीट हुई है और 1 फीट की भिंडी के ऊपर हमें 4 से 5 भिंडी लगी हुई दिखाई दे रही है। 1, 2, 3, 4 भिंडी यहाँ पर हमारे एक पेड़ के ऊपर लगी हुई। हर प्लांट के ऊपर आपको 4-5 भिंडी लगी हुई दिखाई दे रही होगी। एक बैग हमारी फैमिली के लिए रिक्वायरमेंट के लिए पर्याप्त होता है। अब हम अपने रेस्ट बेड की ओर चलते हैं। यह बैग हमने अपनी ज़मीन से उठाकर रेस्ट बेड के ऊपर बैग लगाया हुआ है। इसके अंदर हम 10-4-1 वाला और कुछ राउंड बैग लगे हैं। इसमें पुदीना, आप देख रहे होंगे कि इतनी गर्मी में भी कितना हरा पुदीना लगा हुआ है। पुदीने के बाद हमने यहाँ कुछ फूल गोभी और पत्ता गोभी लगे हैं। फूल गोभी पत्ता गोभी के आगे बैंगन लगे हैं, बैंगन के बाद मिर्ची लगी हुई है, बैंगन पर भी आपको बैंगन लगे हुए दिखाई देंगे। देखिए यहाँ हमने वापस कुछ नए बीज लगाए हैं गिलकी करेले के। यहाँ पर गिलकी अब उगने लगी है। उधर हमारी जब गिलकी खत्म होगी तब तक ये गिलकी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इस बैग के अंदर लौकी लगी हुई है, इसमें भी लौकी लगी हुई है। ये देखिए छत के ऊपर एक 18x18 के बैग के अंदर आसानी से हम पपीता भी उगा सकते हैं। हमारी पपीता ने 2 से 2.5 फीट का हाइट ले लिया है। ये पपीता हमारी 6 महीने पुरानी है और 1 साल के अंदर इसके ऊपर पपीता आना शुरू हो जाएगी। मिर्ची के पौधे पर भी मिर्चियाँ लगी हुई है, कुछ मिर्ची इसके ऊपर आप लगी हुई देख रहे होंगे। गर्मी में तेज़ धूप के कारण सब्जियां जलने का डर होता है, इसलिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें ऊपर शेड नेट जरूर लगाना है। शेड नेट हमारी 50% या 75% वाली हम लगा सकते हैं, जिससे डायरेक्ट सनलाइट हमारे प्लांट्स के ऊपर ना पड़े और हमारे प्लांट्स जलने से बच जाए। किचन गार्डन से जुड़ी इसी तरह की जानकारी और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।